Sir, that is what is our concern also. That is what we are trying to convey to you, that our concern is it is a time now to strengthen the hands of the army. It is the time now to strengthen the hands of the security forces who are involved in anti-militancy operations in Jammu and Kashmir. We should give them more strength. We should stand with them. See, it is a very difficult situation. Security forces are fighting militants. When they are fighting militants, then the persons come, the stone pelters come and they try to attack security forces. And then we see the political forces also who are standing and saying that the army's hand should be tied. We are convinced it is a time to strengthen the hands of the army so that Operation All Out becomes in fact Operation All Out and everything is finished. Every militant supporter should be finished. देखिए जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसको डील करने के लिए भी एक कंक्रीट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है. हमारी ओपिनियन ये है कि स्टोन पेल्टर्स को डील करने के लिए एक अलग से फोर्स का गठन होना चाहिए. एक अलग से फोर्स का गठन हो जो कि स्पेशली इक्विप्ड हो, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, जो स्टोन पेल्टर्स के साथ और राइटिंग्स के साथ जो है वो डील कर सके. क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास शायद वो ट्रेनिंग भी नहीं है और शायद वो इक्विपमेंट्स और गैजेट्स भी नहीं हैं कि वो मॉब्स के साथ डील कर सकें या स्टोन पेल्टर्स के साथ डील कर सकें. दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. आज दुनिया में नए नए तरीके जो हैं वो सामने आए हैं कि जिससे स्टोन पेल्टर्स टाइप के जो राइट्स हैं उनके साथ डील किया जाता है. अब तो ड्रोन से स्प्रिंकलिंग की जाती है, स्टिंग गन्स यूज़ की जाती हैं, कलर बैलून जो जिसका रंग नहीं उतरता है 4-5 महीने वो यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट तरीके हैं. इसके ऊपर सोचना चाहिए, एक नई फोर्स का गठन होना चाहिए जो कि मोबाइल फोर्स हो और जो राइट्स के साथ और स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स के साथ स्पेशली इक्विप्ड और ट्रेंड हो डील करने के लिए.